के द्वारा परीक्षाओं का औचक निरीक्षण किया गया। लखनऊ में यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का निरीक्षण बोर्ड के चेयरमैन ने किया औचक निरीक्षण। चौपटिया स्थित इरम मॉडल स्कूल पहुंचे चेयरमैन, एडमिट कार्ड पर नहीं मिले छात्रों के हस्ताक्षर। चेयरमैन ने जिम्मेदारों को दी हिदायत, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था का जायजा भी लिया। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। पूरी परीक्षाएं लखनऊ में 3434 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होने वाले थे, कुछ एब्सेंट हुए हैं, तो पूरे 7 केंद्र बनाए गए हैं। मैं 4 केंद्रों में पहुंचा, उसमें भी यहाँ भी आया। परीक्षा बड़े अच्छे माहौल में, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, वॉयस रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके अलावा हम लोग खुद इंदिरा भवन से जो है हमारे स्टाफ स्टार वहीं बैठी हुई हैं, और पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग हो रही है। 509 केंद्रों की नहीं, हर कक्षों की मॉनिटरिंग वहाँ से भी हो रही है, और बड़े पारदर्शी माहौल में बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की परीक्षाएँ हो रही हैं। एडमिट कार्ड को लेकर जो खामी मिली थी, उस पर क्या हिदायत दी गई है? बच्चों ने सिग्नेचर नहीं किया था, प्रिंसिपल ने इशू किया था, हमने कहा ये सिग्नेचर होना चाहिए, तो उन्होंने फटाफट सिग्नेचर कराया है। ये खामी थी, उसको दूर किया जाएगा, और आगे से ध्यान भी रखेंगे कि सेंट्री तभी माना जाएगा जब बच्चे सिग्नेचर किए रहेंगे। उसी सिग्नेचर के आधार पे जो अटेंडेंस शीट होती है उसको ही करते हैं। जो दौरे हैं वो आगे भी जारी रहेंगे? बिल्कुल, पूरे प्रदेश में चूँकि 73 जिलों में सेंटर बने हैं, हर जगह तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन फिर भी 6 दिन में 10-12 जिले तो पहुँचने की कोशिश करूँगा, और ज़मीनी हकीकत को देखने का प्रयास करूँगा।